चलिए प्रश्नावली 2.2। चलिए आते हैं, देखते हैं कि बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का खाता है मान निकालने के लिए, जबकि नंबर एक में दे दिया गया है कि x बराबर 0, जहाँ x का मान दिया गया है, तो हमें ये बहुपद दिया गया है, तो इस बहुपद में अगर x का वैल्यू रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं 5x माइनस 4x² प्लस 3, चलिए x का मान इसमें रख देते हैं, तो x का मान 0 दिया गया, तो x की जगह 0, तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 गुना 0 करेंगे तो 0, 4 गुना 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 3, 0 माइनस 4 गुना 0 करेंगे 0 प्लस 3, 0 में से 3 में से 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा कितना ही आएगा, 3 ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 3 आंसर आएगा। दूसरा नंबर दिया गया है कि x बराबर माइनस वन, इसी में हमको x का मान रखना है माइनस वन, तो x का मान दिया गया माइनस वन, जहाँ x दिया गया वहाँ हम x का मान माइनस वन रख देते हैं 5x माइनस 4x² प्लस 3 में। चलिए देखते हैं कि x का मान दिया गया माइनस वन, तो x की जगह माइनस वन रखते हैं, माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3, जहाँ x था हम x का मान माइनस वन रख दिए, माइनस पाँच, 5 गुने माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5, माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 3, माइनस 5 माइनस 4 गुने 1 4 प्लस 3, 5 माइनस माइनस प्लस, 5 4 9 प्लस 3, 9 में से 3 का कितना बचा, माइनस 6। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है x बराबर 2, जबकि x का मान दिया गया है 2, या बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x² प्लस 3, जहाँ x दिया गया वहाँ x का मान रख देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दुनी 10 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 3 13 माइनस 4 चौक 16, 13 में से 16 गया कितना बचेगा, माइनस 3 आंसर। चलिए 2 का कहते हैं निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करें। कहता है P0, P1 और P2 ज्ञात करें। चलिए एक नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि P f py बराबर y² माइनस y प्लस 1, तो इसका मान निकालना है 3 बार, तो एक बार y का मान 0 रखेंगे, तो एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो एक का मान 3 को आएगा। तो देखते हैं एक बार p का मान 0 रख के, जहाँ y का मान 0 रखें, जहाँ y वहाँ y की जगह 0 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 1 में से 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मेरा 1 ही आएगा। अभी यहाँ p का मान अभी रखते हैं 1, जहाँ y की जगह 1 रखें, जहाँ y है वहाँ y की जगह 1 रख देते हैं, माइनस प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल बराबर कितना आया, 1। अब यहाँ p का मान दिया गया है 2, कितना दिया गया है 2, जबकि y का मान दिया गया है 2, जहाँ y है वहाँ y का मान 2 रख देते हैं, माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3, इसका आंसर आया कितना, 1 1 3 1 1 3, इसका 2 का एक नंबर का आंसर आया 1 1 3। उसी तरह दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 2 का 2 में कि PT बराबर दिया गया है 2 प्लस टी, नहीं नहीं इसका तो काम ही इसी पर तो सवाल है सब, हाँ PT बराबर ये 2 प्लस टी प्लस 2T² माइनस T³। चलिए यहाँ एक बार दिया गया है टी का मान 0, टी का मान 1, टी का मान 2, जैसे निकाले थे वाई में यस तीनों का मान, उसी तरह निकालना है टी के जगह 0 1 2 रखकर 3 बार मान, तो एक बार टी के जगह 0 रखते हैं तो 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0, 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, 2 में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मेरा कितना ही आएगा, 2 ही आएगा। अब ये रखते हैं टी का मान 1, टी का मान 1, तो यहाँ दिया गया है 2, तो टी का मान 1 रखते हैं, 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1,
दो प्लस एक प्लस दो गुणे एक, दो माइनस एक, एक से एक कैंसिल, दो दो चार आंसर, मतलब वन रखे तो इसका चार आया। अब यहाँ टी का मान रखते हैं दो, जहाँ दिया गया है दो तो यहाँ टी की जगह दो रख देते हैं, दो तो दो का स्क्वायर माइनस दो का क्यूब, दो प्लस दो प्लस दो, दो का स्क्वायर चार, दो का क्यूब आठ, दो दो प्लस चार प्लस चार दो नहीं आठ माइनस आठ, या आठ प्लस या आठ माइनस कैंसिल हो गया, बराबर कितना बचा चार। तो इसका आंसर आया कितना, दो चार चार। एक बार जीरो रखे तो दो आया, वन रखे तो चार आया, दो रखे तो चार आया। दो का तीन में दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, जहाँ की एक्स का मान एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार दो, जहाँ एक बार एक्स का मान जीरो रखते हैं तो जीरो का क्यूब बराबर क्या आएगा, जीरो। अब यहाँ एक्स का मान वन रखते हैं तो एक का क्यूब कितना आएगा, एक। अभी रखते हैं एक्स का मान दो तो दो का क्यूब कितना आएगा, आठ। इसका आया कितना आंसर, जीरो एक आठ, जीरो एक आठ। तीन नंबर दो का, दो का चार, दो का चार दिया गया पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ एक बार एक्स का मान जीरो रखते हैं तो जीरो का स्क्वायर माइनस वन, जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन, जीरो में से माइनस वन घटाएंगे तो माइनस वन आएगा। अभी यहाँ एक्स का मान वन रखते हैं तो वन रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर कितना आएगा, वन माइनस वन, वन में से वन गया कितना आया, जीरो। अभी यहाँ एक्स का मान रखते हैं दो तो दो का स्क्वायर माइनस वन, दो का स्क्वायर चार माइनस वन, चार में से एक गया तीन, इसका मान आया कितना, तीन बार रखे तो जीरो रखे तो माइनस वन, वन रखे तो जीरो, दो रखे तो तीन, इसका आंसर आया माइनस वन जीरो तीन। तीन नंबर, कथा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। चलिए देखते हैं, तीन के एक नंबर में कहता है पी एक्स बराबर दिया गया थ्री एक्स प्लस वन, जहाँ की एक्स का मान दिया गया माइनस वन बाई थ्री, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स के जगह माइनस वन बाई थ्री रख देते हैं, कितना रख देते हैं माइनस वन बाय थ्री। अब प्लस वन तो है ही, यह भागा में या गुना में कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ माइनस वन, अब प्लस वन, वन प्लस में वन माइनस में कैंसिल हो गया तो कितना बचा, जीरो। इसका मतलब यह बहुपद है, क्या है बहुपद है, तो इसका आंसर क्या होगा। हाँ दो नंबर में जीरो कोई अगर जीरो बराबर, अगर ये जीरो के अलावा अगर कोई अंक आता, अगर एक आता दो आता चार होता तो इसका आंसर नहीं होता कि या बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, तो इसका आंसर होता नहीं है। ठीक है ना, से दो में दिया गया है पी एक्स बराबर फाइव एक्स माइनस पाए, फाइव एक्स माइनस पाए, जहाँ की दिया गया है एक्स बराबर चार बटे पाँच, चार बटे पाँच दे दिया गया है, जहाँ एक्स का मान दिया गया है तो एक्स का मान रख देते हैं चार बटे पाँच माइनस पाई, पाँच से पाँच कैंसिल आया कितना है चार माइनस पाई, पाई तो हमारा खुद ऊपरी में संख्या, लेकिन ये जीरो बराबर आया नहीं आया तो यह बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा नहीं है। ऐसे भी बोलते रहे कि बहुपद यह नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, जिसका शून्यक बराबर आएगा वह बहुपद है, जिसका बहुपद शून्यक शून्यक नहीं आएगा वह बहुपद नहीं है। तीन नंबर में, तीन नंबर में दिया गया पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस वन, जहां एक्स बराबर दिया गया माइनस वन और वन, माइनस वन और वन, तो एक बार एक्स का मान माइनस वन रखेंगे फिर एक्स का मान वन रखेंगे, देखेंगे कि दोनों शून्य है या नहीं, दोनों शून्य। हाँ ठीक है, तो माइनस वन और वन लिखे उलट के लिख दिए हैं, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कि यहाँ एक्स का मान एक बार रखते हैं माइनस वन, चलिए माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, माइनस वन दिया गया, वन में से वन गया क्या आया, जीरो। अब यहाँ एक्स का मान रखेंगे वन, यहाँ एक बार रखे थे माइनस में तो आया जीरो, एक बार प्लस में रखते हैं तो क्या आता है देखते हैं,
तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस वन, तो वन में से वन गया जीरो। इसका मतलब यह बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ चार नंबर कहते हैं, चार में दिया गया है कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, जहां एक्स बराबर दिया गया है माइनस वन और दो, माइनस वन कोमा दो। चलिए इसका देखते हैं कि एक बार माइनस वन रख के देखते हैं शून्य आता है कि नहीं। चलिए x के जगह माइनस वन रखते हैं, तो x के जगह माइनस वन रखिए तो माइनस वन प्लस वन, एक्स के जगह माइनस वन और माइनस टू। चलिए देखते हैं प्लस माइनस कैंसिल बराबर जीरो आया, जीरो गुना माइनस थ्री। अगर किसी भी अंक में अगर शून्य से गुना करते हैं तो क्या आता है? जीरो। चलिए एक बार रखते हैं दो, कितना दिया गया है? दो। तो x का मान दो प्लस वन, जहाँ x है वहाँ x का मान दो रख देते, यह प्लस या माइनस कैंसिल बराबर जीरो, दो दो एक तीन गुना जीरो। तो किसी भी अंक में अगर शून्य से गुना करते हैं क्या आता है? जीरो। इसका मतलब यह बहुपद का शून्यक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ पाँच नंबर में पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स बराबर दिया गया है जीरो, तो एक्स का मान यहाँ दे दिया गया है जीरो, तो एक्स का मान जीरो रखते हैं यहाँ, तो जीरो का स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा? जीरो। इसका मतलब यह बहुपद है, बहुपद है, इसका मतलब इसका आंसर हाँ होगा। छः नंबर में पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, जहाँ एक्स बराबर दे दिया गया है माइनस एम बटे एल, माइनस एम बटे, जहाँ एक्स का मान दे दिया गया माइनस एम बटे एल, जहाँ एक्स यहाँ एक्स की जगह रख देते माइनस एम बटे एल, जहाँ एल जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की जगह रख देते माइनस एम बटे एल और प्लस एम, एल से एल कैंसिल, यहाँ बचा माइनस एम, इधर मेरा प्लस एम को दिया गया, यह प्लस या माइनस कैंसिल बराबर क्या आया? जीरो। इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ हाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अगर हाँ नहीं भी अगर ये दर्शाती है तो उससे मतलब ये एग्जामिनर समझ आए कि इसका नहीं है या इसका हाँ है। सात नंबर में कहता है पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, जहाँ एक्स बराबर दे दिया गया है माइनस वन बटे रूट थ्री और दो बटे रूट थ्री, कहता यह बहुपद के शून्यक है या नहीं। चलिए एक बार एक्स का मान रखेंगे माइनस वन बटे रूट थ्री, तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की जगह रख देते हैं माइनस वन बटे रूट थ्री, इस पार है तो इस पार माइनस वन, थ्री तो दिया गया है इंटू वन का स्क्वायर वन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तीन से तीन कैसे बच गया यहाँ वन माइनस वन, वन में से वन घटाएं तो यहाँ कितना आया? जीरो। चलिए एक बार माइनस वन बटे थ्री रखे तो आया जीरो। चलिए एक बार एक्स का मान रखते हैं दो बटे रूट थ्री, दो बटे रूट थ्री, तब दो बटे रूट थ्री रखेंगे तो यहाँ कितना दिया गया? थ्री। तो एक्स का मान दिया गया दो बटे रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस वन, थ्री गुणे दो का स्क्वायर चार, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन, तीन से तीन कैंसिल बराबर आया चार माइनस वन बराबर जीरो। मतलब यह है और यह नहीं है, मतलब एक बहुपद है और एक बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर होगा हाँ, इसका आंसर नहीं। हाँ वही हुआ, बहुपद का शून्यक है या बहुपद का शून्यक नहीं है, तो इसको कह सकते हैं बहुपद यह है या बहुपद नहीं है, ठीक है ना। आठ नंबर आठ नंबर में दिया गया पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन, जहाँ एक्स बराबर वन बाय टू, जहाँ एक्स का मान दिया गया कितना? वन बाय टू, जहाँ एक्स दिया गया वहाँ एक्स के मान वन बाय टू रख देते हैं। चलिए दो से दो कैंसिल, कितना आया? वन प्लस वन, वन वन
तो यह जीरो बराबर तो नहीं है, यह हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद चार नंबर, पता निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। कहता है क्या क्या ज्ञात करने के लिए? शून्य। तो एक नंबर में दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस पाँच, एक्स प्लस जैसे इसका शून्य कहेगा ज्ञात बहुपद, तो हमें यह दिया गया है तो इसके बराबर में क्या होगा? जीरो। इधर मेरा बाएं साइड प्लस, अगर इसको दाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस। तो इसका शून्य कितना है? माइनस पाँच। दो नंबर में कहता दिया गया पी एक्स बराबर एक्स माइनस पाँच, तो हमको बहुपद का शून्य करना है, इसके बराबर में क्या होगा? जीरो। इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, इसका बहुपद कितना आ गया? पाँच। तीन नंबर में पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस पाँच, चलिए दिया गया है बहुपद टू एक्स प्लस पाँच, इसके बराबर में क्या होगा? शून्य। यही मेरा बाएं बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस पाँच। इधर बाएं साइड ये गुना में दाएं साइड आएगा तो भाग में, तो मेरा शून्य कितना आया? माइनस पाँच बटे दो। चार नंबर में दिया गया है पी एक्स बराबर थ्री एक्स माइनस टू, इक्वल टू क्या होगा? जीरो। मेरा देखते हैं बाएं साइड माइनस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस। बाएं साइड गुना में दाएं साइड आएगा तो भाग में, तो इसका शून्य कितना आया? दो बटे तीन। पांच पी एक्स बराबर थ्री एक्स, जहाँ बहुपद दिया गया है इसके बराबर में जीरो, इधर तीन गुना में है बाएं साइड दाएं साइड आएगा तो भागा में, किसी भी अंक में अगर जीरो से भागा देते हैं तो क्या होता है? जीरो। तो इसका बहुपद कितना आया? जीरो। छः नंबर में पी एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ बहुपद दिया गया है एक्स बराबर जीरो, इधर ए गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो ए से भागा देंगे जीरो में तो क्या आएगा? जीरो। जहाँ कि एक्स बराबर कितना आ गया, इसका बहुपद जीरो। सात नंबर में पी एक्स बराबर दिया गया है सी एक्स प्लस डी, चलिए बहुपद दिया गया सी एक्स प्लस डी, इसके बराबर में जीरो, मेरा बाएं साइड प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, मेरा इधर बाएं साइड गुना में दाएं साइड आएगा तो भागा में, माइनस डी बाय सी, इसका बहुपद कितना आया? माइनस डी बाय सी। बेटा इसको